नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु राय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस डाउट सेक्शन के वीडियो के लिए स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा कुछ समय पहले आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के मोबाइल वीडियो कोर्स जो है वो आपको दिए गए थे। बहुत से बच्चों ने इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से स्टडी जो है करनी शुरू करी। उन बच्चों को जो हमसे मोबाइल कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक्स पर उनको थोड़े से कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस मिलने लगे। इसलिए हमारे द्वारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें मोबाइल कोर्स में जुड़े हुए बच्चे जिनको उनमें से होने वाले डाउट्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछने के लिए कहा गया। और आज मेरे द्वारा आपको एक हिंदी की भाषा में डाउट क्लियर करने वाले क्वेश्चन मिले हैं जो भेजा है मुक्ता बांझल ने, समाज से संबंधी। और इस समाज से संबंधी क्वेश्चंस में कुछ और बच्चे हैं जिनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर जो है वो डाउट होते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी मुक्ता बांझल का, तृप्ति जोशी का और अपर्णा झा का। उन्होंने पूछा है कि समाज में हम कैसे डाउट जो है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि एक ही तरह के समाज जिसमें ऑप्शन में दिया होता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक प्रश्न पूछता है पंचानन में कौन सा समास है, ठीक है। प्री के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर वन देता है आपका बहुव्रीही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देता है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी देता है हमारे लिए द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी देता है हमारे लिए कर्मधारय समास, ठीक है। अब सबसे बड़े दिक्कत ये होता है कि समास आखिर है क्या। तो समास दो या दो से अधिक शब्द पदों के मिलने से जब एक नया शब्द पद बनता है तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। इस समास को हम वन वर्ड आंसर वाला एक चीज़ मान सकते हैं, क्योंकि वाक्यांशों का एक शब्द भी होता है हमारे लिए समासिक पद, ठीक है। इस समास की खासियत होती है कि कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व का पद यानी कि प्रथम शब्द पद, किसी समास में उत्तर शब्द पद यानी कि बाद में आने वाला शब्द प्रधानता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पंचानन में कौन सा समास है। आपको बता दूं कि पंचानन में पहला शब्द है पंच आनन, ठीक है, पंच हैं आनन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में हमेशा से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में हमेशा से एक बात बंधी रहती है कि जिस समास का पहला शब्द पद संख्यावाची है वहाँ होता है द्विगु समास। इसलिए कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पर बहुव्रीहि भी दिया है और द्विगु भी दिया है। आपका दिमाग कहता है कि ये न्यूमेरिकल्स है इसलिए होगा वो द्विगु समास, लेकिन हर चीज़ जो न्यूमेरिकल्स है, लेकिन एक चीज़ की खासियत है कि न्यूमेरिकल्स होकर अगर वो ग्रुप की बात करेगा तब वो हमारे लिए द्विगु समास होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स है, ग्रुप भी है और अगर वो किसी तीसरे की पहचान बता रहा है तब वो हमारे लिए बहुव्रीहि समास में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाउट है उस पर पंचानन में कौन सा समास है, तो बता दें कि बहुव्रीहि वो समास होते हैं जिसमें प्रथम शब्द पद और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य
तीसरे शब्द पद की विवेचना करते हैं तो वहाँ होता है बहुव्रीही समास, अर्थात यहाँ पर तीसरा शब्द पद की प्रधानता होती है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ होता है हमारे लिए द्वंद्व समास, ठीक है। और जिस समास का पहला शब्द न्यूमेरिकल्स होता है और अगर वो एक ग्रुप की बात करते हैं तब होता है हमारे द्विगु समास, और जहाँ पहला शब्द दूसरे शब्द की केवल विशेषता बता देता है वहाँ होता है हमारे लिए कर्मधारय समास, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि जितने भी समास हैं, यानी कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और एक होता है बहुव्रीही समास। सारे समास की विशेषताएं या खासियत कभी न कभी बहुव्रीही समास से टकराते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँ कि हर समास के कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो टकराती हैं हमारे लिए बहुव्रीही समास से। क्यों टकराती हैं? क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन न्यूमेरिकल्स होकर वो किसी तीसरे पद की पहचान बताता है। कुछ हाइफन वाले भी हैं जहां दोनों पदों की प्रधानता होकर भी, एक योजक चिन्ह होकर भी वो किसी अन्य की पहचान जो है वो बताता है, ठीक है। कभी कभी विशेषण और विशेष्य होने के बावजूद वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य की पहचान बताते हैं। इस वजह से समास में बहुव्रीही समास हमारे लिए 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 6 प्रकार के बहुव्रीही समास हैं उन समास को पहचान लेने से हम इन समास से उस समास की जो विशेषताएं हैं उसको अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चलते हैं इसी बहुव्रीही समास में और कौन से समास से इसकी तुलना कर सकते हैं। यहां मैंने बहुव्रीही समास के साथ में द्विगु समास को लिया। अब हम चलते हैं बहुव्रीही समास और कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब क्या होता है? कर्मधारय मतलब जिस समास में पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद की विशेषता बताता है। अगर वो नील कमल कहता है, ठीक है, नील कमल मतलब नीले रंग का कमल या नीला है जो कमल कहता है, तो जिस शब्द का पहला शब्द विशेषण का, दूसरा शब्द होगा विशेष्य का, ठीक है, या पहले शब्द होगा उपमेय का और दूसरा शब्द होगा उपमान का, या तो एक ऐसे स्वभाव या गुण स्वभाव जिसमें वो एक ही रूप के हो जाएं तो वहाँ होगा रूपक वाला शब्द। मतलब कि गुण संबंधी, गुणवाचक, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वाले जो एग्जांपल होंगे वो हमारे लिए कर्मधारय समास होंगे, ठीक है। अब ये तो विशेषण और विशेष्य हुआ कि विशेषण वो शब्द जिससे विशेषता बताई जाती है, विशेष्य वो जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, रूपक मतलब गुण स्वभाव में एक जैसा दिखाई देने वाला रूपक, ठीक है। अब यहाँ नीला है जो कमल या नीले रंग का कमल कहकर केवल वो विशेषण और विशेष्य बता रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम अगला एग्जाम्पल लें, जैसे कि पीताम्बर धारी, ठीक है, पीताम्बर धारी। अब यहाँ दो शब्द है पीताम्बर और धारी। पीताम्बर मतलब पीले रंग का वस्त्र, धारी मतलब धारण करने वाला। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करने वाला ऐसा कहकर वो किसी अन्य तीसरे अर्थात विष्णु को संबोधित करता है, तो विशेषण विशेष्य होकर केवल गुणवाचक शब्द हो तो वो हो जाते हैं कर्मधारय समास। लेकिन अगर विशेषण और विशेष्य है उसके बावजूद अगर वो किसी अन्य की प्रधानता बता दे तब वहाँ हो जाता है हमारे लिए वही कर्मधारय वाला शब्द बहुव्रीही समास। तो दो कन्फ्यूज़न हो गए कि हर संख्यावाची शब्द द्विगु समास नहीं होता और हर गुणवाचक वाला शब्द कर्मधारय समास नहीं होते, ठीक है। अगला कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है द्वंद्व समास के शब्दों में और आपके बहुव्रीही के शब्दों में। एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा घर घर, ठीक है, इसमें हाइफन लगा कि टू इक्वल वर्ड्स रिपीटेशन विथ हाइफन है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारे लिए रात दिन,
ठीक है, यहाँ पर भी टू डिफरेंट वर्ड्स है इंक्लूडिंग विद हाइफन। एक एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल चूमा चूमी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं, पर सब में एक चीज़ कॉमन है, विच वन इज़ हाइफन, है ना। मतलब कि यहाँ दो शब्दों के मध्य एक योजक चिन्ह है, यहाँ दो शब्द के मध्य एक योजक चिन्ह है, यहाँ भी दो शब्द के मध्य एक योजक चिन्ह पाया गया है। अब बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज़ जो है वो फिक्स कर दी जाती है समास को पहचानने के लिए, और कह दिया जाता है कि जब दो शब्द होना और उन दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह यानी कि हाइफन हो तो वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। पर हर चमकती चीज़ जिस प्रकार सोना नहीं होती, वैसे ही चीज़ें शब्दों में अलग अलग अर्थ को रखते हैं। अब हम कन्फ्यूज़न ख़त्म करें। यहाँ पर टू इक्वल वर्ड्स रिपीटेशन विथ हाइफन है, और एक चीज़ बता दो कि ये है इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, मतलब कि एक अव्यय या अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति, ठीक है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय क्या होगा कि इस योजक चिन्ह के बदले हमको लिखना होगा ही, और इसका समास विग्रह क्या बनेगा, घर ही घर, यानी कि प्रत्येक घर, ठीक है। और जब हम इससे विग्रह करेंगे तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि टू अपोजिट वर्ड्स इंक्लूडिंग विथ हाइफन है, और इसको जब हम करेंगे तो या तो हम यहाँ पर एवं लगाएंगे या तथा लगाएंगे या हम यहाँ पर और लगाएंगे, और ये होते हैं हमारे लिए कंजक्शन वर्ड्स, मतलब कि योजक शब्द। ये निपात है और ये संयोजक शब्द है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रात एवं दिन, या रात और दिन, या रात तथा दिन कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि द्वंद्व समास क्या होता है कि जहां दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, जहां दो अलग अलग शब्द के मध्य में एक संयोजक चिन्ह आता है, और विग्रह करते समय यदि उस योजक चिन्ह के बदले हम संयोजक शब्द को लगाते हैं, वहां होता है द्वंद्व समास। और दूसरी बात कि इसमें द्वंद्व समास में जब हम द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में या तो टू अपोजिट वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल रात दिन, सुख दुख, पाप पुण्य, या टू अपोजिट जेंडर होंगे, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। या तो वो एक ऐसे शब्द होंगे जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कि आंधी तूफान, हलवा पूरी, खीर पूरी, सेठ साहूकार, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे लिए द्वंद्व समास। अब कन्फ्यूज़न तो यहाँ दो चीज़ों में बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। तो द्वंद्व को अगर हम अलग कर दें कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा, अब इक्वल है कि जैसे घर घर और चूमा चूमी, ठीक है। चूमा चूमी या घर घर कहें तो ये हमारे लिए टू डेक्लिनेबल वर्ड्स ना होकर के इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, मतलब कि दो अव्यय या अविकारी शब्द है। यहाँ पर क्या हुआ, एक अव्यय या अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति है, वैसे ही अव्यय या अविकारी शब्द की यहाँ पुनरावृत्ति है। पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो घर ही घर कहेंगे, यानी कि यह प्रत्येक घर को संबोधित करेगा, और यह हमारे लिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं कि जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय प्रधान होता है। अव्यय वे शब्द जो वचन, लिंग, काल के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, वो हर समय एक ही परिस्थिति में होते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। यदि किसी समास का पहला शब्द पद या प्रथम शब्द पद अव्यय प्रधान है, या तो वो हमारे लिए उपसर्ग से निर्मित यदि वो हमारे लिए एक अविकारी शब्द बनाता है, ठीक है ना, तब वो समास होता है हमारे लिए अव्ययी भाव समास, ठीक है। या किसी अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होती है,
ठीक है, एक योजक चिन्ह के जुड़ने से, या तो एक ऐसा शब्द होता है जहाँ पहला शब्द अव्यय प्रधान होता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है कि या तो उसका प्रथम शब्द पद अव्यय प्रधान होगा, या तो अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक के साथ होगा, या तो उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द होगा, वहाँ होता है अव्ययी भाव समास। फिर चूमा चूमी में भी हमारा कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी तो एक अव्यय भाव समास शब्द है कि चूमना एक ऐसा शब्द है जो है तो क्रिया, परंतु चूमा चूमी कहकर यह एक परस्पर क्रियात्मक शब्द यानी कि लेन देन की प्रक्रिया को संबोधित करता है। चूमा चूमी कहकर परस्पर चूमना, इसी तरह ये दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य पद प्रेम संबंध को संबोधित करते हैं। तो दो अव्ययी भाव समास की तरह दो अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति होकर भी अगर किसी तृतीय पद यानी कि हमारे प्रेम को संबोधित करता है, तो यहाँ व्यवहार में क्रियात्मक स्वरूप में लेन देन की प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ हमारे लिए व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि कभी भी प्री हो चाहे व्यापम हो, बहुव्रीहि के अंदर के टाइप्स आपको ऑप्शन में नहीं देता, वो तो उसके लिए तुरुप का इक्का होता है कि जैसे दे दिया मान लीजिए मारा मारी में कौन सा समास है, सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो द्वंद्व समास देता है, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि दो शब्द के बीच में एक योजक चिन्ह है, मतलब वो द्वंद्व है। वो सी या डी ऑप्शन में बहुव्रीहि डालेगा या तो बी में डालेगा, कहीं भी हमारा दिमाग द्वंद्व समास में पहले निशान लगाता है, जबकि वो समास उदाहरण होता है बहुव्रीहि का, परंतु बहुव्रीहि के अंदर कभी भी पूछा नहीं जाता। इसी तरह यह बहुव्रीहि समास एक और कंफ्यूजन क्रिएट करता है कारक रचनाओं को लेकर। जिस तरह यहाँ मैंने आपको अभी तक कुछ समास को बहुव्रीहि से जो डाउट है उसे क्लियर करके बताया कि हर न्यूमेरिकल वाला वर्ड जो होता है वो द्विगु नहीं होता, हर अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति वाले अव्ययी भाव नहीं होते, हर योजक चिन्ह वाला द्वंद्व नहीं होता, और हर विशेषण विशेष वाला हमारे लिए कर्मधारय नहीं होता। एक समास होता है जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब ये तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दो शब्दों के मध्य एक योजक चिन्ह लुप्त होता है, जब किसी समस्त पद को विग्रह किया जाए और विग्रह करते समय उनके मध्य कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण में प्रयोग होने वाली कारक विभक्तियां दिखाई देने लगें, तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात जिस समास से दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए, तो वहां होता है तत्पुरुष समास। और इस आधार पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण और विभक्ति के अनुसार द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। अब कारक रचना प्रधान शब्द है तत्पुरुष, लेकिन यदि हम कहते हैं जैसे कि वीणा पाणी, ठीक है ना। अब अगर हम इसका विग्रह करें तो हम कहते हैं पाणी में है वीणा जिसके। अब विग्रह करने के बाद पाणी में है वीणा जिसके कह देने के बाद यह तृतीय पद सरस्वती को संबोधित करता है, इसलिए सबसे पहली बात यह हो जाता है हमारे लिए बहुव्रीहि समास। लेकिन यदि दिमाग का कन्फ्यूज़न कहता है कि कारक रचना वाला शब्द तो हमारे लिए तत्पुरुष है, अब यहाँ पर में आया मतलब अधिकरण और जिसके आया मतलब कि संबोधन, दो कारक विभक्ति होकर भी यह तत्पुरुष क्यों नहीं है। तो एक चीज बता दें कि यदि पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करे तब बहुव्रीहि समास नहीं बल्कि तत्पुरुष समास होता है, लेकिन अर्थ को सुनिश्चित करके अगर वो किसी तृतीय पद की प्रधानता बताए तब वो हमारे लिए हो जाता है बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं सिर कटा, ठीक है, अब इसका विग्रह कटें जैसे कि कटा है सिर
जिसका। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी एक कारक विभक्ति आई संबंध, लेकिन सिरकटा कह देने से यह तृतीय पत्र पद जो है राहु को संबोधित करता है, इसलिए कारक विभक्तियाँ होकर भी हर समस्त पद तत्पुरुष समास नहीं होते, जबकि कारक विभक्तियाँ हैं और यदि वो किसी अन्य पद की पहचान बताता है तब वो हमारे लिए बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जहाँ प्रथम और द्वितीय शब्द पद के गुण विशेष के बावजूद अगर वो किसी अन्य तृतीय पद की पहचान बताता है जो किसी खास व्यक्तित्व को, प्राकृतिक स्थल को, देवत्व को या किसी को दी गई उपाधि ऐसे शब्दों की ओर संबोधित करेगा जो यूनिक है, अद्वितीय है, तो ऐसे समस्त पद वाले उदाहरण बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें और एक चीज़ की खासियत ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल्स है, संख्यावाची है और केवल समूह है तब वो द्विगु है। अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति है, उपसर्ग से निर्मित शब्द है, लेकिन अगर वो एक अविकारी शब्द है तो अव्ययी भाव समास है। गुण विशेष होकर अगर वो सिर्फ एक दूसरे की विशेषता मात्र बताएं तो कर्मधारय है। दोनों पदों की केवल प्रधानता है, जो विलोम शब्द विपरीत लिंग या जोड़े में आने वाले शब्द में है तब तक वो द्वंद्व है। संख्यावाची हो चाहे हर प्रकार की खासियत हो, और अगर देखा जाए कि जहाँ पर हमारे लिए कारक विभक्तियाँ प्राप्त है तो तत्पुरुष है, लेकिन सारी खूबी होने के बावजूद अगर वो शब्द पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की पहचान बताते हैं तब सारे समस्त पद के उदाहरण संख्यावाची होकर भी द्विगु में से हटकर चले जाते हैं बहुव्रीहि में, गुणवाचक से कर्मधारय से हटकर चले जाते हैं बहुव्रीहि समास में। और इस तरह बच्चों के द्वारा जो डाउट किया गया था कि समास में हम कर्मधारय और बहुव्रीहि में कैसे कन्फ्यूज़न को क्लियर करें, तो मेरे द्वारा आपको इस डाउट सेक्शन में वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और इस तरह आप मोबाइल कोर्स के माध्यम से व्याकरणिक तत्वों को बहुत बारीकी से पढ़ते जाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर आपके माइंड में डाउट कर सकती हैं, ठीक है, डाउट पैदा कर सकती हैं। इसलिए मोबाइल कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए बच्चों से एक खास गुजारिश है कि बहुत बारीकी से उसको पढ़ते जाएं। आपको अभी CGPSC मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो समय मिला है उसका भरपूर प्रयोग कीजिए, पढ़ने में आप दिनमय होकर आप उन चीज़ों को पढ़ते जाइए और इसी तरह हमें प्रश्न भेजते जाइए और हमारे द्वारा आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।